तृणमूल कांग्रेस के विधायक कभी कभी अपनी नाराजगी फेसबुक के जरिए बयां कर देते हैं। ऐसे ही एक विधायक हैं बैरकपुर से शीलभद्र दत्ता, जिन्होंने ये लिख दिया, बंधु देखा होबे, इसका मतलब है दोस्त मुलाकात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ खुद शीलभद्र जी हैं। किससे मुलाकात होगी, कहाँ मुलाकात होगी और क्यों नाराज हैं आप? दोस्त का साथ मुलाकात होगी। अरे सभी तो दोस्त है ना, और दोस्त का साथ रास्ता में देखा होगा, मुलाकात होगा, बाबा फिर से मुलाकात होगा। जिस दोस्त को बहुत दिन पहले पिछड़ गए थे, वो सब एक हो जाएगा, यही है। दोस्त बहुत हैं आपके। कुछ दिन पहले आपने ये भी कह दिया था कि प्रशांत किशोर या उनकी टीम या बाकी सबसे उनसे बात नहीं करेंगे, काफ़ी सारी नाराजगी रही है, क्या है वजह? देखिए, हम तो पॉलिटिक्स से मध्यम से उठा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठा है। हमारा साथ पॉलिटिकल आदमी को दोस्ती ज़्यादा होगा, लेकिन ये ब्रो मैंने क्या बोले, सब प्रोफेशनल टीम, ये लोग मैंने बिजनेस के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए काम करता है। मैं एज ए पॉलिटिशियन आई थिंक दे आर नॉट एट ऑल फिट फॉर दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। बट पॉलिटिक्स में आप जिन लोगों पे कमेंट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का कहना है कि क्योंकि आपको आपकी उम्र की वजह से अगली बार टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए अब आप दूसरी जगह रास्ता देख रहे हैं। जब तो उन लोगों का बात सेफ होगा तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर की भी तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारा उम्र 62, हमारा टिकट नहीं मिलेगा ये प्रशांत जी बोले तो उन्होंने की चाहते हैं जब चीफ मिनिस्टर को टिकट नहीं देगा, पहले बोलिए। हमारा उम्र ज़्यादा है, 62 है, मेरा उम्र से बहुत ज़्यादा उम्र का MLA अभी तक है, उन लोगों को कोई टिकट नहीं मिलेगा, उन लोगों को किसी को ये क्या बोला PK साहब? देखिए, PK का कोई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ये नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप अब एक फूल से दूसरे फूल में जा रहे हैं, तृणमूल से कमल की ओर जा रहे हैं, इसलिए अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हमने नहीं लिया, लेकिन इस सब बात जब बोलना शुरू किया वो लोग, तब तक हमको भी नया से चिंता करने का शुरुआत होगा। चिंता तो ये भी है कि आप झंडा पकड़ने के लिए तैयार हैं और पार्टी में बहुत जल्दी शिरकत भी करने वाले हैं BJP में, ऐसे भी आप पे आरोप लग रहे हैं। TMC का कहना है कि आप भाजपा जा रहे हैं, इसलिए आप TMC के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, वो लोग चाहते हैं हम चला जाए, ठीक है, हम तो बोला नहीं, हम कभी कहाँ पे पार्टी का विरोध में एक भी शब्द यूज नहीं किया। TMC ऐसा बोला कि हमारा मालूम नहीं, हम आपको सामने पास से ये बात हमको आया है, हमको पास आया तो TMC बोल देना चाहिए ना, जे भाई छोड़ दो, निकाल देना चाहिए। तो जो लीडर आपको बोला जे उनको टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें ऐसे ही करे, निकाल दीजिए ना पार्टी से, हम तो पार्टी छोड़ा नहीं, हम तो पार्टी में ही है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में रह के ही पार्टी को नुकसान पहुंचाना स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है ना। हमारा कोई स्ट्रैटेजी, किसी को साथ हमारा मुलाकात हुआ नहीं, BJP को किसी कोई लीडर के साथ हमारा मुलाकात हुआ नहीं, बात हुआ नहीं। ये जब जो चल रहा है तो हम जब जो लोग पार्टी में हमारा विरोध में आए वो लोग सब बोल रहे हैं, और PK का साथ हम कोई PK का टीम का साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम हमारा मालूम होता है ये लोग आए हैं TMC को ख़त्म करने के लिए। PK कहाँ किस कौन पार्टी का दलाल है ये ढूंढना चाहिए। तो आपका कहना है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है उनसे, और ऐसे ये तो सिर्फ हमारा तरफ से नहीं है, अभी तक से ज़्यादा पार्टी वर्कर्स, पार्टी का सीनियर मोस्ट MLA लोग सभी तो उनको विरोध में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ये तो एक शीलभद्र दत्त का आवाज़ नहीं है, ये तो कुछ दिन पहले जोटू दा भी बोला, जोटू लाई शिवपुर का जो विधायक है वो भी बोला, उसका पहले तो मीर गोस्वामी तो चला गया, उन्होंने बोला था, उदयन गो बोला था, बहुत आदमी, बहुत लीडर, बहुत MLA, बहुत से पार्टी वर्कर्स बोल रहे थे, ये तो बोल रहे थे। नाराजगी किस बात से है और किससे है? उनका जो चल ये है कि उनका जो प्रक्रियाकरण रहा है वो हमारा साथ मिलते नहीं है। तो क्या आपने ये बात मुख्यमंत्री को, तृणमूल सुप्रीमो को बताई है, ये सारी बातें समझाई? सर, आप बंगाल जान गए तो बोला तो पार्टी को सबको साथ पास ही बोला है, सब जाते। क्या रहने का विचार है तृणमूल कांग्रेस में या आगे बढ़ने का? अभी तक तो कोई बोला नहीं जी हम का तृणमूल छोड़ेगा, तो बोला नहीं था अभी तक। आने वाले दिनों में क्या होगा ये दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल नाराजगी और नज़रअंदाजी ये दोनों कायम है। कैमरा पर्सन तावस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक।